क्लास घटना में संज्ञान में आया है कि लड़की के सगे मौसेरे भाई द्वारा रेप किया गया था, और जिसमें संबंधित थाने में जो धाराएं हैं, जो मतलब में अभियोग पंजीकृत किया गया है, मेन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, और पीड़ित परिवार के लिए पासपोर्ट के अंतर्गत जो धनराशि 10 लाख की है वो उसे शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है, और घटना में लापरवाही बरतने में SHO इगलास को निलंबित किया गया। इगलास थाना चात्र में है। 20 दिन पहले एक छोटे से बच्चे है, उसका उसका सह मौसी के लड़के ने उनके साथ गलत काम किया है, उसका आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसका जो सह मौसी के लड़के को जेल भेज दिया, और उसको मौसी के ऊपर भी नामजद FIR है। मौसी के पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम गठित किया है, और उस लड़की के पिछले 10 दिन से इलाज हुआ है, वो 4 साल का मौसम बच्ची है, उसका हालत बहुत गंभीर था और बहुत क्रिटिकल था। उसका इलाज के दौरान उसका कल सफदरजंग हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ, और पोस्टमार्टम कार्रवाई करके अभी पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर रही है, और उसको मौसी की गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित किया मैंने। और SHO ने इगलास ने पिछले 10 दिन से उसका मौसी का अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, उसके लापरवाही बरतने से उसका निलंबन किया है। ठीक है ना।